हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जब आप कीबोर्ड को ओपन करेंगे कुछ टाइपिंग करने के लिए तो वो नहीं होगा, और जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पे सर्च अगर करूँगा तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा, यार यहाँ पर लिखा नहीं पाएगा। तो अगर आपका कीबोर्ड नहीं आ रहा है या फिर कुछ इशू वगैरह हो गया तो यहाँ के आज के इस वीडियो में सोल्यूशन बताऊँगा, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा तब आप समझेंगे इनके सोल्यूशन। सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को नीचे कमेंट कर देना है जब आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या तो आप पहले ही कमेंट कर दें नाइस ट्रिक या हेल्पफुल ट्रिक। ये देखिए, जैसे कि सर्च करेंगे यार नहीं आ रहा है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप चाहे कोई भी फ़ोन यूज़ करें, ठीक है, चाहे आप सैमसंग या फिर वन प्लस या फिर कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है कि आप जो है सेटिंग में जाओ, पहले यहाँ पे देखो सेटिंग में जाओ, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद ये देखो, सेटिंग में जाने के बाद नीचे करो, स्क्रॉल नीचे करो, और ये तो MI का है तो एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो लैंग्वेज आ जाएगा, लैंग्वेज पे क्लिक करना है, फिर आपको करंट कीबोर्ड आ जाएगा, मैनेज कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करना है और ये देखिए ऊपर में ये जो है जी बोर्ड, इसे चालू कर दें, इसे भी चालू कर दें, ओके, ये सब चालू कर देना, सब कीबोर्ड हो गया चालू। बैक आ जाओ, करंट कीबोर्ड इसको क्लिक करो और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट कर दिया, ये बदल गया जी बोर्ड में। अब मैं सर्च करता हूँ, कुछ सर्च हो जा, ये सर्च पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए कीबोर्ड आ गया। तो इस तरह से आप कीबोर्ड को ला सकते हैं किसी भी मोबाइल में, ठीक है। और कुछ भी इशू होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और मैं आपके लिए ऐसी और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहता हूँ। आप चाहते हैं फ़ोन का लॉक तोड़ना, फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाना, फ़ोन है बहुत ज़्यादा हैंग करता है उसे ठीक करना, तो मैं हर टाइप की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।